दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जी हां, बांग्लादेश को करारी शिकस्त देकर अफगानिस्तान की टीम अब पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में, जहां पर सेमीफाइनल वन में उनका आमना सामना होगा साउथ अफ्रीका की टीम के साथ। तो वहीं दूसरा मुकाबला यानी कि सेकेंड सेमीफाइनल मैच जो है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा 27 जून रात 8 बजे, यानी कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच होगा वो सुबह 6 बजे होगा। तो वहीं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच सेकंड सेमीफाइनल मैच रात को 8 बजे खेला जाएगा। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश को हराकर अफगानिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह जो बनाई है वो काफी बड़ी जीत है उनके लिए, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लाइन गुरु में, जहां पर आज हम चर्चा करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल 2 की, जहां पर भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी और ये मुकाबला करो या मरो वाला होने वाला है और जो टीम यहां पर जीतेगी वो जाएगी सीधे फाइनल में। दोस्तों तो देखिए, भारतीय टीम ने अभी तक लगातार अपने सभी के सभी मैचेस जीते हैं और वो अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन यहां पर उनका आमना सामना होगा इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ। दोस्तों तो बराबर की टक्कर हमें देखने को मिलेगी इस मैच में, बहुत ही मजा आने वाला है, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या यहां पर भारतीय टीम सीधे फाइनल में अपनी जगह बना पाती है या फिर यहां पर इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम को झटका देती हुई नजर आएगी। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में यानी कि मैच प्रीव्यू में हम चर्चा करेंगे इसी मुकाबले को लेकर। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो मुकाबला है ये प्रोविडेंस स्टेडियम गुआना में खेला जाएगा 27 जून को रात 8 बजे। तो पिच रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो देखिए, इस पिच पर T20 वर्ल्ड कप 2024 में 5 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 3 मुकाबले जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, तो वही 2 मुकाबले यहाँ पर सेकंड बैटिंग करते हुए टीम ने अपने नाम किए हैं। एवरेज स्कोर यहाँ पर रहा है फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का 173 का, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाया है वेस्ट इंडीज की टीम ने 173 का, तो वही लोएस्ट स्कोर यहाँ पर युगांडा की टीम ने दर्ज किया है मात्र 39 का। अब दोस्तों यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम इस मैच को जीतती है या फिर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम। फिलहाल यहाँ पर बॉलर्स की परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 5 मैचेस खेले गए हैं तो किस गेंदबाज के लिए ये पिच फायदेमंद साबित हो सकती है, क्या वो फास्ट बॉलर्स होंगे या फिर स्पिनर्स होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल विकेट यहाँ पर चटकाए गए हैं 72, जिसमें से 36 विकेट्स लिए हैं पेसर्स ने, तो वही 36 विकेट्स यहाँ पर स्पिनर्स ने अपने खाते में जोड़े हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि पेसर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों के लिए ही पिच फायदेमंद साबित हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा वो विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पिच रिपोर्ट की बात हो गई, हेड टू कंपैरिजन की बात करें यानी कि T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और इंडिया के बीच कितनी बार आमना सामना हुआ है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 23 बार ये दोनों टीमें आमने सामने आई है, जिसमें से 12 मैचेस जीते हैं भारतीय टीम ने, तो वहीं 11 मैचेस में यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने जीत दर्ज की है। तो वहीं अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो 3 मुकाबले रहे हैं भारतीय टीम के नाम और 2 मैचेस में इंग्लैंड की टीम ने जीत हासिल की है। और अब फाइनली T20 वर्ल्ड कप के हेड टू हेड कंपैरिजन पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, 4 मैचेस दोनों टीम्स के बीच में हुए हैं, 2 मुकाबले जीते हैं भारतीय टीम ने, तो वहीं 2 मुकाबलों में यहाँ पर इंग्लैंड की टीम जीतती हुई नजर आई है। तो दोस्तों हेड टू हेड कंपैरिजन को देखते हुए साफ ये कहा जा सकता है कि ये मैच बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है, बराबर की टक्कर हमें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा हेड टू हेड कंपैरिजन में। वर्ल्ड कप में देखिए, 2-2 मैचेस दोनों टीम ने जीते हैं, लेकिन तीसरा मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा फाइनली देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम से बदला लेकर, ओडीआई वर्ल्ड कप जो था वहां फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंडिया को मात दी थी, लेकिन यहां पर जो है T20 वर्ल्ड कप 2024 में कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई वर्ल्ड कप का बदला लेते हुए उन्हें अब सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया है T20 वर्ल्ड कप से। और अब सेमीफाइनल में क्या रोहित शर्मा अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए यहां पर बेंच पर यशस्वी जायसवाल है, संजू सैमसन है, साथ ही युजवेंद्र चहल बैठे हुए हैं, इनमें से अभी किसी भी खिलाड़ी को खेलने का मौका नहीं मिला है। तो क्या इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा या फिर संजू सैमसन को, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो देखिए यहाँ पर रोहित शर्मा के अलावा जो खिलाड़ी नजर आ सकते हैं, तो सेकंड नंबर पर हमें विराट कोहली बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन यहाँ पर नंबर 2 उनके लिए सही साबित नहीं हुआ है, क्योंकि ओपनिंग करते हुए विराट कोहली अभी तक कोई भी अच्छी पारी खेलने में कामयाब नहीं हुए हैं, बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो डक पर भी आउट हुए थे। तो ऐसे में दोस्तों विराट कोहली के लिए ये बहुत ही बड़ा मौका होगा, इंग्लैंड के खिलाफ अगर उनका बल्ला नहीं
होता है तो कहीं ना कहीं टीम थोड़ी सी मुश्किल में आ सकती है और ऐसे में विराट कोहली को रन बनाना बेहद ही जरूरी होगा। तो दोस्तों रोहित शर्मा के साथ अगर ओपनिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जा सकता था या फिर संजू सैमसन को, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली से ओपनिंग कराई जा रही है तो लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ बड़ा बदलाव किया जाएगा, कुछ छेड़छाड़ की जाएगी। तो विराट कोहली हमें नंबर दो पर नजर आ सकते हैं, साथ ही नंबर तीन पर हमें ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आ रहे हैं जो कि एक मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि देखिए काफी कम से कम एक डेढ़ साल के बाद ऋषभ पंत ने क्रिकेट में अपनी वापसी की है और आईपीएल में जिस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन किया ठीक वैसा ही प्रदर्शन वो टी20 वर्ल्ड कप में भी करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस मैच में ऋषभ पंत से काफी उम्मीद रहने वाली है कि वो अच्छी और बड़ी पारी खेलते हुए नजर आए। इनके अलावा देखिए यहाँ पर सूर्य कुमार यादव है, शिवम दुबे है, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह हमें नजर आ सकते हैं। तो वहीं एज अ पोटेंशियल चेंज हमने यहाँ पर मोहम्मद सिराज का नाम शामिल किया है क्योंकि हो सकता है कि मोहम्मद सिराज को इस मैच में खेलने का मौका दिया जाए, लेकिन किसकी जगह उन्हें मौका मिलेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह साथ ही अर्शदीप सिंह काफी अच्छा खेलते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि मोहम्मद सिराज को अगर जगह मिलती भी है तो किस खिलाड़ी की जगह उन्हें रखा जाएगा। तो चलिए ये तो बात हो गई भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, अब जल्दी से बात कर लेते हैं भारतीय टीम के की प्लेयर्स के बारे में, जहां पर पहला नाम हमने शामिल किया है कप्तान रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुपर 8 का जो आखिरी मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहां पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, 92 रन उन्होंने स्कोर किए थे 7 चौके और 8 छक्कों की मदद से, साथ ही उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, 224.39 का उनका स्ट्राइक रेट था। लेकिन अगर ओवरऑल प्रदर्शन की उनकी बात करें यानी कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है तो देखिए 6 मैचेस में उन्होंने 191 रन स्कोर किए हैं 159.17 के स्ट्राइक रेट से। अगला नाम है यहाँ पर ऋषभ पंत का जिन्होंने 6 मुकाबले खेलते हुए 167 रन बनाए हैं 132.54 के स्ट्राइक रेट से। इनके अलावा सूर्य कुमार यादव को भी हमने यहाँ पर शामिल किया है दोस्तों, जिन्होंने 6 मुकाबलों में 149 रन स्कोर किए हैं 139.25 के स्ट्राइक रेट से। तो ये वो तीन बल्लेबाज हैं जिनकी कंसिस्टेंसी हमें इस मैच में देखने को मिल सकती है, जो अच्छे रन स्कोर करते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर गेंदबाजों के बारे में तो देखिए अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह ये तीनों ही ऐसे गेंदबाज हैं जो कि अपनी टीम के लिए बहुत किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 में। अर्शदीप सिंह की अगर बात करें तो 6 मैचेस में उन्होंने 15 विकेट निकाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे दोस्तों जो कि बहुत ही अहम विकेट थे। साथ ही यहां पर जसप्रीत बुमराह ने 6 मैचेस में 11 विकेट लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा विकेट लिया था जसप्रीत बुमराह ने यानी कि ट्रेविस हेड का, क्योंकि ट्रेविस हेड का अगर वो विकेट नहीं लेते तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो सकती थी। और देखिए कुलदीप यादव का हमने शामिल किया है, उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 में और 3 मुकाबले खेलते हुए 7 विकेट अभी तक उन्होंने अपने खाते में जोड़े हैं। और आखिरी नाम हमने यहां पर शामिल किया है हार्दिक पांड्या का जो कि अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। देखिए गेंदबाजी की उनकी बात करें तो 6 मैचेस खेलते हुए उन्होंने 8 विकेट अभी तक अपने खाते में जोड़े हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई भारतीय टीम की, अब बात करते हैं इंग्लैंड की टीम के बारे में यानी कि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, जॉस बटलर किन 11 खिलाड़ियों को देंगे मौका। तो चलिए नजर डालते हैं यहां पर, देखिए फिलिप साल्ट, जॉस बटलर ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, जॉनी बेयरस्टो है, हैरी ब्रूक, मोइन अली, लियम लिविंगस्टोन, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और रेसी टोपली हमें नजर आ सकते हैं। वेल आपको बताना चाहेंगे जो पिछला मैच था इंग्लैंड की टीम का वहां पर क्रिस जॉर्डन को जगह दी गई थी मार्क वुड की जगह पर, जहां पर क्रिस जॉर्डन का शामिल किया जाना बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ था, काफी अच्छी गेंदबाजी वो करते हुए नजर आए थे और इस मैच में भी उन्हें प्लेइंग 11 में रखा जा सकता है। अब की प्लेयर्स की अगर बात करें इंग्लैंड की टीम की तो देखिए पहला नाम यहां पर शामिल किया है फिलिप साल्ट का जिन्होंने 6 मैचेस खेलते हुए 182 रन स्कोर किए हैं 166.36 के स्ट्राइक रेट से। कप्तान जॉस बटलर की अगर बात करें तो अगला नाम उन्हीं का है, यूएसए के खिलाफ सुपर 8 का जो मैच था वहां पर जॉस बटलर ने 83 रन की नॉट आउट पारी खेली थी और उनका स्ट्राइक रेट था 218.42 का। तो वहीं अगर जॉस बटलर के ओवरऑल टी20 वर्ल्ड कप 2024 के प्रदर्शन की बात की जाए तो देखिए 7 मुकाबले खेलते हुए जॉस बटलर ने 159.17 के स्ट्राइक रेट से 191 रन स्कोर किए हैं। इनके अलावा हैरी ब्रूक है जिन्होंने 6 मुकाबलों में 120 रन बनाए हैं। अगला नाम है यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो का जिन्होंने 6 मैचेस खेलते हुए 110 रन स्कोर किए हैं 139 के स्ट्राइक रेट से। अब गेंदबाजों की बात करें तो देखिए जोफ्रा आर्चर है जिन्होंने 9 विकेट चटकाए हैं 7 मुकाबले खेलते हुए, आदिल राशिद ने भी 7 मैचेस में 9 विकेट लिए हैं। तो वहीं आखिरी नाम है यहाँ पर क्रिस जॉर्डन का जिन्होंने लास्ट मैच में यूएसए के खिलाफ जो सुपर 8 का मुकाबला था वहां पर 4 विकेट अपने खाते में जोड़े थे 3.50 के इकोनॉमी रेट से। तो दोस्तों यहां पर दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 साथ ही की प्लेयर्स के नाम आपको बता दिए हैं जिन्हें आप अपनी फैंटेसी टीम का भी हिस्सा बना सकते हैं जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर अपनी टीम को जिताने में मदद कर सकते हैं। फाइनली देखिए यहां पर कंक्लूजन की बात की जाए क्योंकि ये जो मैच है ये सीधे फाइनल तक टीम को पहुंचा सकता है, जो भी टीम यहां पर जीत दर्ज करेगी वो सीधे फाइनल में जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी ये एक बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि हेड टू हेड कंपैरिजन में अगर हम देखें तो दोनों टीम बराबर की टक्कर पर है।
लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो दोनों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए जीत के अगर चांसेस की बात करें तो दोनों टीम जीतना चाहेंगी, क्योंकि फाइनल तक पहुंचने के लिए ये आखिरी मुकाबला, आखिरी मौका होगा दोनों ही टीम्स के पास, क्योंकि जो भी टीम हारेगी वो सीधे वर्ल्ड कप से बाहर जाएगी। तो ऐसे में दोनों टीम यहाँ पर इस मुकाबले में पूरे दमखम के साथ जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। अब ऐसे में कौन सी टीम जीत हासिल कर सकती है, तो देखिए टॉस के लिहाज से अगर बात करें तो पहले बल्लेबाजी करना यहाँ पर टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, और जो भी टीम टॉस जीतेगी वो कहीं ना कहीं पहले बैटिंग करना चूज कर सकती है और पहले बल्लेबाजी करती है, उस मैच को अपने नाम कर सकती है। तो वही भारतीय टीम का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आता है, वो इसलिए क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप वो नहीं जीते थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां पर जीती थी। तो ऐसे में रोहित शर्मा किसी भी हाल में टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथ से नहीं जाने देना चाहेंगे, और इस लिहाज से दोस्तों जो जीत की भूख है वो भारतीय टीम के अंदर हमें दिखाई दे रही है, और इस मुकाबले को भारतीय टीम जीतने में कामयाब हो सकती है, यानी कि 60% चांसेस यहां पर भारतीय टीम की जीत के नजर आ रही है। तो वहीं 40% चांसेस यहां पर इंग्लैंड की टीम के भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी पूरे सीजन काफी अच्छा प्रदर्शन करती आई है, तो इस मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। वेल आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मैच को जीतकर सीधे जाएगी फाइनल में और हारकर सीधे जाएगी टी20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर, क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय जरूर शेयर करेगा। वेल फिलहाल इस वीडियो को लगाते हैं विराम, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी क्रिकेट और टी20 वर्ल्ड कप की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देख रहे हैं क्रिकेट टाइम गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।